आज हमारी मुलाकात विद्युत समस्याओं को लेकर विद्युत विभाग के अधीक्षक अभियंता वीके अग्रवाल से कुछ सवाल की। ग्रामीण आमजन एवं विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी समस्याओं को त्वरित एवं मौके पर ही समाधान करने के उद्देश्य से जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कोटा की ओर से वीके अग्रवाल अधीक्षक अभियंता जयपुर डिस्कॉम कोटा से बातचीत में उन्होंने बताया कि गांव में जो बिजली चोरी हो रही है इसको रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाएगी तथा समय समय पर विजिलेंस टीम के द्वारा बिजली चोरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। गांव में लगे विद्युत कर्मी जो कि मनमानी तथा मिलीभगत की शिकायतें मिलती हैं तथा गांव में बिजली खराब होने पर यदि विद्युत कर्मी लोगों को ठीक करवाने के लिए पैसा लेता है तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक तथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। वीके अग्रवाल अधीक्षक अभियंता ने बताया कि उनका प्रयास रहेगा कि विद्युत बिलों में आने वाली समय समय पर शिविर भी आयोजन कर विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाए। वीके अग्रवाल अधीक्षक अभियंता जयपुर डिस्कॉम कोटा ने बताया कि शिविर में उपभोक्ताओं से संबंधित समस्याएं जैसे कि विद्युत तंत्र संबंधी खामियों को दूर करना, ट्रांसफॉर्मर बदलने से संबंधित या फिर बिल संबंधी समस्याओं का जल्दी निराकरण किया जाएगा। कोटा में वीके अग्रवाल साहब अधीक्षक अभियंता जयपुर डिस्कॉम कोटा साहब के पास में कुछ जो ग्रामीण समस्याएं हैं उसके बारे में लेने के लिए मैं सबसे बैठ लेने के लिए आया हूँ। आदरणीय को आप पहले हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। थैंक यू। आदरणीय आप जो बिजली तंत्र हो रहा है उसमें क्या क्या सुधार करने करोगे आप? देखिए अभी इस वर्ष में हमने तंत्र को सुधार करने में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए। जी, जो जिसके तहत हमने हाई रिस्क पॉइंट को जी आइडेंटिफाई किया था जी सर, और करीबन हाई रिस्क पॉइंट को सभी को हमने दुरुस्त किया जी सर। इससे आपको ये जानकर खुशी होगी कि विभाग की गलती के कारण जी सर कोटा वृत्त में दुर्घटनाएं नहीं के बराबर हुई। जहां तक दुर्घटनाएं हुई हैं वो व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की गलती से जी सर जरूर हुई है जी सर। और इस तरह से हमने देखा कि जो आंधी तूफान वगैरह आता है ना तो उसमें सप्लाई भी काफी स्टेबल रही जी सर, डिस्टर्बेंस बहुत कम आए जी। हाँ, परंतु इटावा सुल्तानपुर और कुछ सांगोद एरिया जहाँ पे बाढ़ आ गई जी सर वहाँ जरूर सप्लाई में व्यवधान रहा जिसको हमने बहुत त्वरित गति से सुधार किया और विद्युत तंत्र को हमने काफी मजबूत किया है सर। और आगे भी हम इसको मजबूत करेंगे। बिल्कुल सर, दूसरी दूसरा ये है कि जो गांव में बिजली चोरी हो रही है सर उसको रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं सर? देखिए गांव में बिजली चोरी होती है या कस्बे में चोरी होती है सभी के लिए हमने यहां पर एक्शन विजिलेंस हैं जी सर, सहायक अभियंता विजिलेंस के पद पे पोस्टेड हैं जी सर तीन जी, और सभी सहायक अभियंता जो वितरण के कार्य कर रहे हैं जी सर और कनिष्ठ अभियंता कार्य कर रहे हैं वो सभी इस कार्य को जो है जांच कर रहे हैं कि कहां कहां विद्युत चोरी हो रही है। विद्युत चोरों के विरुद्ध अभियान चलाया जाता है जी सर, और उनके खिलाफ वीसीआर बन जाती है। बिल्कुल सर, वीसीआर बनने के उपरांत यदि वो जुर्माना राशि नहीं जमा कराते हैं तो एफआईआर भी दर्ज की जाती है जी सर। इस कड़ी में आप देखेंगे कि गिरफ्तारियां भी हुई जी विद्युत थाने द्वारा जी, तो इस हम लोग कड़े कदम उठा रहे साथ में हम लोग समझाइश भी कर रहे हैं जी सर कि जो आंकड़े डालते हैं उनको हटाने का काम भी करते हैं जी, एक अभियान चलाते हैं जी तो वो भी काम करते हैं। बिल्कुल सर, जो अगला प्रश्न है सर मेरा, शिकायतें ये भी हैं कि जो गांव में लगे विद्युत कर्मी है ना सर वो स्थानीय लगे हुए हैं और जिनकी मनमानी से शिकायतें ये हैं कि वो बिजली चोरों की मिलीभगत की शिकायतें मिल रही है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे आप? देखिए ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई है जी कि कोई विद्युत कर्मी बिजली चोरी कराने में संलिप्त है। यदि ऐसी कोई शिकायत आती है जी सर और उसकी जांच करने पर वो सत्य पाई जाती है जी सर तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगला प्रश्न है सर मेरा, एक और प्रश्न है कि गांव में जो बिजली खराब होती है लोगों को ठीक करवाने के लिए पैसा देना पड़ता है सर उसके लिए?
नहीं कोई पैसा नहीं देना पड़ता। जबकि कर्मचारी वहाँ के पैसे देते हैं सर। ऐसी तो कोई मुझे शिकायत प्राप्त नहीं हुई। लेकिन अगर कोई कर्मचारी ऐसा करता है जी सर और जांच में सिद्ध पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट स्तर के लोग लगे हुए सर इसमें। लेकिन इसमें जो प्रावधान है उसमें एक नंबर हम लोगों ने जारी किया हुआ है, टोल फ्री नंबर है। किसी की भी बिजली में कोई व्यवधान आता है उस नंबर पे वो शिकायत करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद वहाँ पे फीडर फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम होती है, उसको वो मैसेज जाता है, वो उसकी उसको अटेंड करते हैं जी सर। जहाँ पर दो चार आदमियों की टीम रहती है जी सर, वो उसको दो घंटे में या चार घंटे में जैसा फॉल्ट हो जितनी दूरी पे हो उसको उस हिसाब से उसको करना होता है। यदि वो समय ज्यादा लेते हैं जी सर तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करने का प्रावधान है बिल्कुल सर। और वो ऑनलाइन है जी इसलिए ऑटोमेटिक कार्रवाई हो जाती है उनकी बिल्कुल सर। तो ऐसा कोई है नहीं। हाँ कोई अज्ञानतावश कोई इस तरह की कोई प्राइवेट व्यक्ति से जैसे आपने कहा जी सर, प्राइवेट व्यक्ति से पहली बात तो काम करने के लिए कहना ही नहीं चाहिए। यदि कोई कर रहा है तो वो गलत कर रहा है जी सर, उसको करना नहीं चाहिए। जो इसकी भी विद्युत सप्लाई में व्यवधान आता है जी सर उसको हमारे विभाग से के अधिकृत व्यक्ति से ही बात करनी चाहिए। और ये बिजली का बढ़ती इस्तेमाल की बोली कब लगाई जाती है सर? देखिए बिजली का जो कबाड़ी का सामान यानी कि जो डिफेक्टिव मटेरियल होता है यानी जो उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं खराब हो गया है उसको यहाँ कोटा वृत्त में स्टोर है वहाँ जमा कराया जाता है। R9 भारत के लिए भवानी शंकर राठौर की रिपोर्ट कोटा से।